मोदी क्या है, सुशील मोदी को कौन पूछता है, उनको क्यों हटाया गया, मंत्री जी का भी जांच कीजिए, मेरा भी जितने लोगों का है जांच करिए। लेकिन नेताओं का भी जांच होना चाहिए निश्चित रूप से। सबसे पहले जायसवाल जी की जांच होनी चाहिए, वो प्रदेश अध्यक्ष थे जी। विरोधी सब गड़बड़ है, विरोधी नेता सब चोर है, भाजपा के लोग सब ईमानदार, तो पुल कैसे टूटा भाई। बिहार में नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने साफ कह दिया है कि जिस तरीके से सुशील मोदी सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो कौन होते हैं बोलने वाले हमारे सरकार को लेकर। देखिए, जब तरीके से सुशील मोदी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, उसको लेकर भी उन्होंने साफ कह दिया कि होते कौन है बोलने वाले, उनसे बड़ा कोई झूठा होगा। जब हमारे साथ वित्त मंत्री थे तो भी उन्होंने झूठ बोला था। देखिए, इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया है कि जिस तरीके से संजय जायसवाल ने सवाल उठाया कि महागठबंधन के तमाम नेताओं को ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, उस पर भी उन्होंने कह दिया हम तो तैयार हैं कराने के लिए, क्या आप भी कराएंगे, क्या कुछ कह रहे हैं विजेंद्र यादव, पहले आप सुने। सर, एक सवाल है, सुशील मोदी शराबबंदी कानून को लेकर साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, तब शायद कुछ बदल जाए। सुशील मोदी क्या है, हम लोगों के हाईकमान है क्या? सुशील मोदी क्या है, सुशील मोदी को कौन पूछता है, उनको क्यों हटाया गया, जो डिप्टी सीएम थे उनको क्यों दिल्ली भेज दिया गया, पहले अपना तो ख्याल रखे। वो मैं आपको याद दिलाता हूँ एक बात, सुशील मोदी ने कहा कि जब हम हमारी सरकार बनेगी तो शिक्षकों को जो मूल वेतन है वो हम देंगे, विपक्ष में जब थे नेता काउंसिल, और जब आए तो मैंने कहा कि मोदी जी आप मेरे बगले में बैठते थे, यहाँ कहाँ वित्त मंत्री थे, काहे ना उस समय में दिए, और जब फिर सरकार बनी तो हम कहेंगे दे दिए ना, अब कैबिनेट में आ गए हैं। तो सुशील मोदी कितना सही बोलते हैं कितना गलत बोलते हैं दुनिया जानती, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। आंकड़ों का हवाला दे रहे थे और कहे कि 4-4 लाख मुआवजा देना ही पड़ेगा, क्या है प्रधानमंत्री हैं कि गृह मंत्री भी तो कल कहा कि आप अखबार में पढ़े ही होगा, गलत चीज़ों को रोकने के लिए टाइम लगेगा, उसको कानून बनाना पड़ेगा ताकि उसके मोदी जी को मोदी जी अमित शाह को कहे कि आप क्यों बोले ऐसा, हमारे मुख्यमंत्री जी यही कह रहे हैं कि गंदी चीज को रोका जाए पूरे देश में, यूपी से आ रहा सरा बगल में क्या कहते हैं नेपाल से आ रहा, झारखंड से आ रहा, बंगाल से आ रहा, जहाँ शराबबंदी नहीं, गुजरात में क्यों मर रहा लोग। देखिए, आप लोग भी इंसाफ कीजिए, इमोशन में मत आइए, सच्चाई को आप लोगों को चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, सच्चाई को सामने रखना चाहिए। कानून बनाती है सरकार अच्छे कामों के लिए, 250-300 साल पहले सीआरपीसी का निर्माण हुआ, ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने किया, सीआरपीसी को यूज करती है पुलिस और आईपीसी से कोर्ट नियंत्रित होता है, फंक्शनली होता है, जेल खत्म हो गया यूनाइटेड किंगडम में, क्या ब्रिटेन में जेल नहीं है, अपराध नहीं होता है, गिरफ्तारी नहीं होती, पुलिस नहीं है क्या? कानून अच्छे लोगों के लिए बनाए जाते हैं, बुराई को रोकने के लिए, बुरे लोग तो हैं। सर, 2021 खत्म हो रहा था, देखिए बस लगभग 3-4 महीना है, क्या लगता है हर राज्य की स्थिति कहीं ना कहीं आपकी रूप से कमजोर होती जा रही है, जीएसटी लागू होने के बाद जो केंद्र से राशि मिलनी चाहिए थी बिहार या जो अन्य राज्यों को, पूरे दुनिया में भारत का रुपये का कीमत कितना घट रहा है, आज भी आपने अखबार में पढ़ा होगा कि डॉलर के मुकाबले में कितना कम हो रहा है, और जीएसटी का जो भारत सरकार को देना चाहिए वो दे नहीं रही है और कड़ाई भी नहीं हो रही है। हम अगर कड़ाई होगी तो अदानी कैसे बढ़ जाएंगे, अदानी बढ़ रहे हैं बाकी घट रहा, फेडरल स्ट्रक्चर पर तो हमला है, फेडरल स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि राज्य का अपनी ऑटोनोमी है, उस पर प्रहार कर रही है भारत सरकार, जबकि संविधान इस बात को प्रेरित करता है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, पूरा देश एक है, केवल गुजरात में भारत है कि बिहार भी भारत है, पूरा देश ने एक है, संविधान बना है देश के लिए। छपरा दौरे पर मानवाधिकार आयोग की टीम, दो दो टीम आ गई है, आने दिए रिपोर्ट क्या आता है, कौन की अच्छी बात, बिना जानकारी क्या गई है, एक पहले टीम बिना जानकारी क्या गई, घूम रही टीम ने दिया, और जगह काहे नहीं गई, और राज्यों में शराब से जो मरते हैं तो लोग काहे नहीं जाते, गुजरात में क्यों नहीं गए।
यही पक्षपात है। विरोधी सब गड़बड़ है, विरोधी नेता सब चोर है, अब भाजपा के लोग सब ईमानदार, तो पुल कैसे टूटा भाई, कैसे टूट गया बेगूसराय में पुल? धीरे धीरे रहिए, सब बात आप लोगों के सामने भी आ जाएगी। क्या ये मानवाधिकार उल्लंघन का मामला बनता है क्या इस अपराध में जो घटना हुई है? पहले आने देखने दीजिए रिपोर्ट क्या देता है। आए, हम स्वागत करते हैं, हम आमंत्रित करते हैं, आइए मुख्यमंत्री जी का भी जांच कीजिए, मेरा भी, जितने लोगों का है जांच करिए। क्या बीजेपी नेताओं का भी जांच होना चाहिए? निश्चित रूप से, चार महीना पहले जो लोग थे सबकी जांच करिए। ये तो चार महीना हम लोग आया है ना, दो साल पर दो पहले से लंबे समय से पाँच से लेकर बीच में डेढ़ साल दो साल छोड़ के लगातार हम लोग के साथ सबकी जाँच होनी चाहिए। सबसे पहले जायसवाल जी की जाँच होनी चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष थे जी। तो आपने साफ सुना किस तरीके से सुशील मोदी और संजय जायसवाल पर जमकर बरस गए विजेंद्र यादव। साफ उन्होंने कह दिया कि हम तो तैयार है कराने के लिए, और आपको भी हिम्मत है तो आ जाए, तमाम बीजेपी के नेता जो है वो आके करा ले, और सबसे पहले तो संजय जायसवाल ही करा ले। तो कहीं ना कहीं जो सवाल है अब ज़रूर उठ रहा है शराबबंदी को लेकर, अब देखना होगा कि जिस तरीके से विजेंद्र यादव ने बीजेपी पर सवाल उठाया है क्या पलटवार आता है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।